लंच बॉक्स कोई भी दूर नहीं देना, घर के एकदम पास में ही है। घर जो हमें बिल्डिंग है उसका गेट से बाहर जाते ही उसका स्कूल है, तो मैं उसे लंच बॉक्स दे दूंगी। उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं आज क्या कर रही हूँ। और बहुत ही सिंपल है, जो तो लेडीज हाउसवाइफ है जिनको बहुत ही इंटरेस्ट रहता कामों में, उनको तो लगेगा बहुत ही ज्यादा अच्छा और बढ़िया। और जो कामचोर रहते हैं लेडीज, मेरे फ्रेंड भी है बहुत सारी कामचोर, उनको ये पसंद नहीं आएगा। और जो लेडीज बहुत बढ़िया बढ़िया काम करती हैं घर पे, और ये मैं जो बनाऊंगी अभी, और आप देखिए और सीखिए और उसके बाद लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो ये मैं अभी सबसे पहले मैं ये लंच बॉक्स दे के आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो तैयारी मैंने कर दी है, आप समझ जाना मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं मैकेंजल को लंच बॉक्स दे दूँ। मैकेंजल को लंच बॉक्स देके मैं वापस आ चुकी थी, और पतली सी रोटी ऊपर बेसन लगा के, नमक मिर्ची जो भी था उसके अंदर मसाला लगा के, और मैं एक रोटी पतली सी बना के खा लूँ, उसके बाद मैं जो मेरा काम है मैं वो करती हूँ। मैं दो पतली पतली रोटियाँ बना के खा ली हैं और मैकेंजल को लंच बॉक्स दे आई थी। अभी मैं 2-3 घंटे फ्री हूँ, और वो 2-3 घंटे जो मेरे पास है खाली उसका मैं फ़ायदा लूँगी, और मैं बनाऊंगी अपने मोबाइल का कवर। ऐसे बाहर से भी मिल जाते हैं, मगर जो हाथ से बनाया हुआ है उसकी बात ही कुछ अलग है। बहुत तरीके से बना सकती हूँ मैं, और मैंने बनाए भी थे पहले, और स्पॉन्ज डाल के भी मैंने कपड़े से सीके बनाए थे, सिंपल भी बनाए थे, मगर क्रोशिए का नहीं बनाया। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं क्रोशिए का बनाऊँ, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जितना मुझे ऐसे चौड़ाई में चाहिए मैं उतना लंबा पहले एक पतला सा चेन बना लूंगी, उसके बाद मैं ऊपर डिजाइन बनाऊंगी, नहीं तो सिंपल बनाऊंगी, वो आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी। एकदम सिंपल चेन मैंने बना ली है अभी, और कितना चाहिए अभी मेरे मोबाइल के कितना है चौड़ाई उसी हिसाब से मैंने बनाई है। और अभी सेकंड टाइम ये थोड़ा, जो पहले हम चेन बना के पहली लेयर स्टार्ट करते हैं ना, तब थोड़ा मुश्किल रहता, उसके बाद बहुत आसानी से बना सकते हैं। मुझे क्रोशिए का सामान बनाना इतना ज़्यादा पसंद है ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ। हमने व्हाइट रूमाल लगा लूंगी क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कहाँ तक गया है काम, कहाँ तक किया है मैंने, कैसे कर रही हूँ। थोड़ा है व्हाइट क्लॉथ है ना नीचे, तो अच्छे से समझ आता है। ये देखिए एक लाइन बन चुकी है, एकदम सिंपल है, कोई डिजाइन नहीं है इसके ऊपर, देखिए बहुत बढ़िया बन गया है। यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल किया है, सिंपल चेन है, और यहाँ पे मैंने बॉर्डर के लिए एक साइड पे 5 चेन बनाई हैं, और साइड पे मैंने 4 बनाई हैं। बीच में मैंने ये 4 चेन बनाने के बाद और 2 सिंपल फिर बना के, और फिर से मैंने 2 चेन बनाई ये वाली, और फिर उसके आगे मैंने 3 चेन बनाई, फिर 2 चेन बनाई, और फिर ऊपर ऊपर आके फिर से मैंने 2 के ऊपर 4 चेन बनाई है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, और ये 3 वाला है ना उसके ऊपर 1 बनाई है, फिर से 2 वाले के ऊपर मैंने 4 चेन बनाई है, देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 चेन। ये 4 वाले के ऊपर फिर 3 बनाई है, 3 के ऊपर 1 बनाई है, ये एक डिज़ाइन है। और यहाँ से 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 1, 3, 4, 3, 1, और यहाँ आके इसका डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है, 3 के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। 1, 3 से स्टार्ट हो के यहाँ जब एक लाइन लगाई है मैंने ये वाली, और फिर से जाके लास्ट में 1 लाइन लगती है, और इसके बीच में 3 बीच में आते हैं, लास्ट में आते हैं, और 4 ये वाले आते हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, और फिर नीचे 3 आते हैं। यहाँ फिर
जब ये चार वाला स्टार्ट तीन वाला खत्म हो रहा है ना, ये वाला डिजाइन यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है और ये फिर यहाँ आके खत्म हो जाएगा और ये फिर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा ही कुछ डिजाइन है ये। बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ आ रहा होगा। मैं नीचे से रुमाल इसलिए रखा है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ आ जाए। बस पांच चेन ये वाली बनाई है, एक दो तीन चार, और उसके बीच में मैंने ये दो छोड़ दिए हैं। दो छोड़ने के बाद फिर जो दो है ना उनको ले लिया, दो ऊपर बना दी है, एक फिर छोड़ दी है और फिर से तीन बनाई हैं, एक ये फिर छोड़ दिए हैं और दो मैंने बनाई हैं, फिर मैंने एक छोड़ दिया, फिर आगे सिंपल बॉर्डर के लिए पांच बनाई हैं। इस तरफ थोड़ी जगह ज़्यादा बच रही थी और पांच बना है बॉर्डर के लिए, और इस तरफ चार बना है, और जो दो के ऊपर चार है, चार के ऊपर तीन, तीन के ऊपर एक, और एक से फिर डिज़ाइन स्टार्ट हो जाता है दो और फिर से चार, और यही इसका डिज़ाइन है। आप ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा। छोटा सा ऐसे आप कॉफ़ी मग रखने के लिए भी बना के ट्राई कर सकते हैं। आप पहले सिंपल ही बनाइए, मैं आपको दिखाती हूँ सिंपल। ऐसे हम जब स्टार्ट करते हैं ऐसे बस उंगली को लपेट लेना है, जो नए सीख रहे हैं। मगर मेरे उंगली को लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा मुझे अब बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है। तो देखिए अब मैंने ये निकाल लेती हूँ, स्टार्टिंग से बोलती हूँ। जैसे मैंने ये एक चेन बनाई है और दो, और अब मैंने इसको धागे को ऐसे ले लेना, ऐसे क्रोचिया के ऊपर से ले लेना और फिर ऐसे, बहुत ही सिंपल है। आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी ऐसे आजू बाजू में रहते हैं क्रोशिया मारने वाले, उनसे थोड़ा सा एक घंटे की प्रैक्टिस ले लेंगे ना आप, तो आपका बढ़िया काम हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपको ये सिंपल लाइन, ये वाला सिंपल आ जाए ना, तब क्या रहता है डिज़ाइन खुद ही आ जाते हैं। और डिज़ाइन देख देख के आजकल तो नेट पे बहुत मिलते हैं, ज़्यादातर ये फॉरेन की लेडीज़ पसंद करती है, इंडिया में मैंने बहुत कम देखा है। अब ये मेरी चार लाइन थी ना, चार के ऊपर अब मैं तीन तीन करूँगी, और मैं एक चेन ऐसे ही लगा रही हूँ। देखिए एक वो ऐसे गैप देने के लिए बनाते हैं ऐसे, और देखिए एक और ये मैंने जो पहले वाला छोड़ के उसके सर के ऊपर से लिया है, और ये दूसरे वाला मैं इन दोनों के बीच में से ले रही हूँ। और फिर जड़ा मेरे जो मेरे लास्ट के दो बचे हैं, दो इधर चले गए, दो ये बचे हैं ना, जो दो दूसरा है ना उसके सर के ऊपर से लेना है, और हो गए मेरे तीन। एक तो मैंने जो दूसरे वाला है, ये पहला छोड़ के दूसरे वाले के सर के ऊपर से लिया है, बीच में नहीं लिया, ऊपर लिया है एकदम, और एक मैंने ये चारों के बीच में से लिया है, और एक ये दूसरे तीसरे नंबर वाले के फिर से सर से लिया है मैंने। और मैं अब फिर से एक ऐसे फ्री में बनाना है जो ऐसे हमारे होल दिख जाएं उसके लिए, और जो एक था ना उसके सर के एकदम ऊपर से लेना है मैंने, ये एक ले लिया और फिर से एक ऐसे ही बनाना है गैप देने के लिए। जैसे ये दो बनाए थे ना, इसके अंदर गैप है ना, अब ये गैप देने के लिए फिर से मैंने एक ऐसे ही बनाया है, और जो ये एक है ना उसके सर से फिर से वही जगह से फिर दूसरा लेना है। और देखिए बढ़िया बन गया। अब और अब फिर जैसे मैंने यहाँ बनाए हैं, एक छोड़ के दूसरे के सर से लिया है, और एक फिर बीच में लिया, फिर उसके सर के ऊपर से लिया है, सेम ऐसे ही बनाना है इस तरफ भी। और ये बीच में लेना है चारों के, और ये फिर यहाँ से लेना है, जो नए सीखते हैं उनको थोड़ा मुश्किल लगता है, जिनको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस आ जाए ना बस वो तो एकदम
बनाने लग जाते हैं, मगर जो इंटरेस्ट नहीं देता और ऐसे कोई बना रहा है तो हम देख रहे हैं ना, उनको बहुत ऐसे लगता कि ये तो बाबा होने वाला नहीं है, ऐसे ही लगता कि ऐसे हम मारे जा रहे हैं, ये इधर उधर हाथ, और देखिए ये बढ़िया डिजाइन बन गया। एक बीच में से जा रही है लाइन डिजाइन की और दो साइडों पे है, और ये बॉर्डर आया है, और इतना बॉर्डर मैंने यहाँ पे रखा है। तो अब मैं देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब जब बन चुका है एकदम, थोड़ा सा बॉर्डर रह गया है, जितना ये बॉर्डर बना हुआ है, डिजाइन स्टार्ट किया है वहां तक इसका बॉर्डर, 1 2 3 4 लाइन, 4 लाइन अभी बॉर्डर बन जाएगा, तो उसके बाद मेरे मोबाइल का कवर तैयार। तो जल्दी से ये वाला मैं बॉर्डर बना लूं, सिंपल बनाना है। अब मैंने डिजाइन बंद कर देना है। मैं डिजाइन कैसे बंद करती हूँ आपको दिखा देती हूँ। जिनको डिजाइन एकदम हाथ पे टिक जाता है ना, उनको डिजाइन बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं रहती। और ये देखिए हो गया मेरा बंद। आगे मैं ऐसे सिंपल बना लेती हूँ, 4 लाइन है ये वाली, मैं फिर बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए अब इनको मैं दोनों को ऐसे बंद कर रही हूँ। अब ये बन के पूरा तैयार हो गया। दोनों साइडों से मैंने क्रोशिया के साथ ही इसे सी दिया है, सुई के साथ नहीं सिया है। और अब मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ और इसे करना चाहिए, एकदम सिंपल बना अधूरा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे रेड है वाइट के साथ साइडों में बीडिंग कर देती हूँ। वो मैं जल्दबाजी में कर रही हूँ, आपके साथ शेयर नहीं की। आपको सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बोल देना, मैं बहुत आराम से आपको सिखा दूंगी। और मैंने इसको पॉम पॉम भी लगा दिया साइड पे। गुरलीन आई थी तो वो बोल रही थी मम्मी पॉम पॉम लगा दो, और पॉम पॉम बहुत राउंड और बढ़िया बना, मल्टी कलर का मैंने लगा दिया वो भी। मैंने मकेंजल को स्कूल भी जाके ये अच्छे से तैयार कर दिया था, और मेरा एक बटन रह गया जिसे टिच बटन बोलते हैं, वो मैं लगाऊंगी और यहाँ पे बस हो जाएगा फाइनल। और यहाँ मैंने इसकी व्हाइट कलर से बीडिंग कर दी है अच्छे से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब। और गुरलीन मोबाइल देना जरा, चार्जिंग चार्जिंग पे है, ठीक है लेके तो आ दिखाऊं। जा तो सही, एकदम बुढ़ी बन जाती है, उठती नहीं है, जा। और ये देखिए पॉम पॉम लगा दिया मैंने साइड पे, डबल कलर का लगाया है, एक कलर का नहीं लगाया है, और बहुत ही ज्यादा सुंदर बन चुका है अब ये। अब गुरलीन पूरी जिंदगी संभाल के रख लेना गुरलीन इसे। ये देखिए इतना अच्छे से बना है ना, गुरलीन अच्छा लग रहा है, बहुत इतना क्यूट, वेरी क्यूट, बढ़िया बन गया। बस इसमें एक ही अब कमी है, वो है यहाँ एक बटन लगना है। नहीं अभी गिर जाएगा। अब मेरे को रिवर्स क्यों करूंगी, मैं पागल हूँ। नहीं फिर भी बटन चाहिए इसे, वो दूसरा बटन नहीं लगाना जो ऐसे ड्रेस को लगाते हैं ऐसे चौक लगा के, वो नहीं, इसे टिच बटन लगाऊंगी, ऐसे आराम से खुल जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया बना है अब गुरलिंग। मुझे तेरा तो नहीं मालूम, मेरा तो बहुत मन खुश हो गया। देखो ऐसे कुछ लोग ऐसे साइड पे भी पहनते हैं ऐसे, मगर ये बोल रही, मैंने बोला था कि ऐसे गले से ऐसे डाल लेते ना साइड पे, तो बोल रही मम्मी मुझे वो नहीं डालना है, मुझे जब क्लास में जाना है तो इसे बैग में रख लूंगी, और जब क्लास के बाहर आऊंगी और तब मैं इसे ऐसे हैंडबैग की तरह रखूंगी। तो मैंने बोला ठीक है ऐसे बना देती हूँ, और देखिए अच्छा लग रहा है। मेरी तो हालत खस्ता हो गई यार, आपको मेरा हैंड बैग, मोबाइल का हैंड बैग अच्छा लग रहा है, तो आप भी ट्राई जरूर करना, और अपने बच्चों को बना के देना, अपनी बेटी को बना के देना, नहीं तो किसी को कहीं जा रहे हो गिफ्ट भी दे सकते हो। फिर मिलती हूँ, बाय बाय। चले थैंक यू बोल, थैंक यू।